हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आप सबके पार्टनर के लिए, हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12 तारीख तक तो 8-8 पोर्टल रहने वाला है। तो इस 8-8 पोर्टल में हम जो है आपके पार्टनर की पूरी एनर्जी को लेने की कोशिश करेंगे, फुल ऑन एनर्जीज। ठीक है, जो आपके पार्टनर के लिए रहने वाली है, आपके पार्टनर के लिए होगी। एंड आपके पार्टनर के बारे में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें जो है हम पहले देखेंगे। आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कल की एनर्जी काफ़ी हाई थी और इस हाई एनर्जी में आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बहुत सारा कुछ चल रहा होगा। तो इस एनर्जी को जो है ना हम क्लियर करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए लगातार एंड स्किप मत करना, क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप मिस कर जाते हो, तो स्किप मत करना। और मैं ये रीडिंग ऐसे करने वाली हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। ठीक है, ऐसे मैं आपसे यहाँ पे बातों को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो वैसे ही लेना है। और रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। कुछ लोग भूल जाते हैं तो मैं उनको याद दिला देती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना, ब्रेसलेट मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मेरे पास रोज़ क्वार्ट्ज़ डिज़ाइन में भी है, इस तरीके का डिज़ाइन मिलेगा आपको। और भी अलग अलग तरीके के डिज़ाइन से लोग अपने है ना ये डिज़ाइन के अनुसार से बनवाते रहते हैं। ये सिंपल में ये बहुत ज़्यादा चलता है। रोज़ क्वार्ट्ज़ जो कि लव लाइफ के लिए देती हूँ, हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए देती हूँ, ये लोग जो है, जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं लेडीज़, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी मैं देती हूँ ये। आपके ज़रूरत के अनुसार से मैं इस ब्रेसलेट को एनर्जाइज करके देती हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी ब्रेसलेट जो है दिया है लोगों को, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, एवेलाई प्लस रोज़ क्वार्ट्ज़, यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी है ना, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी प्रोटेक्शन होगी। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को लेकर के मैंने ये ब्रेसलेट को बनाया है। तो आप सबसे अगर कहूँगी, आप सबको कहूँगी कि अगर आपको चाहिए तो आप ये ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हैं एनर्जाइज करवा के। ठीक है, तो लेना चाहते हैं तो आज ही ऑर्डर करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। चलिए अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग के लिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं, फोकस आपके पार्टनर के ऊपर कीजिएगा। और मैं कहूँगी कि आप मन में उनका 3 बार या 7 बार नाम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। कंसर्न नंबर 33, एंजल नंबर है ये, एंजल नंबर आया है नंबर 16, और कार्ड है थॉट्स का। पॉवर्टी, ओके नंबर 37, ओके नंबर है 36। नंबर आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नंबर से आप एज को भी जान पाएंगे। और जैसे कि नंबर है 16, तो ये डेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी से आप कनेक्ट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच। चाइल्ड नंबर 18, 25, हाई ऑनर, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है बैड हेल्थ, और नंबर भी है आ रहा है नंबर 4। राहु की दशा आपके पार्टनर की हो सकता है कि चल रही होगी। ठीक है, राहु की दशा या इनका डेस्टिनी नंबर ही 4 हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। कि आपके पार्टनर का जो अभी की करेंट सिचुएशन के देखा जाए तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार मैं आजकल ना बहुत बीमार चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर के मैं तकलीफ़ में हो रहा हूँ। मैं क्या कहूँ तुमसे, मेरा जो मन है ना वो परेशान रहता है,
मुझे हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, बट मुझे कोई हील नहीं कर सकता है। मेरा मन सोचता है जो वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो मैं सोचता नहीं हूँ। मैं पीसफुल एनर्जी को चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मन में बहुत गंदे ख्याल भी आते हैं, बहुत एनजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, निगेटिव थॉट्स मेरे मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रॉब्लम ये है, गंदे ख्याल का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और है, बट मेरे मन में निगेटिव ख्याल बहुत आते हैं। पता नहीं क्यों मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहता हूँ, और इतना ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इतना कंसर्न दिखाता हूँ तुम्हारे प्रति कि बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मैं पुरानी चीज़ों को कभी भुला नहीं पाऊँगा, पुरानी चीज़ों से कभी निकल नहीं पाऊँगा। अपने आप को, अपने मन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ कभी कभी। मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा मन मेरा दिल क्या कह रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। दिल और दिमाग की दोनों की सुनता हूँ तो कन्फ्यूज़न में चला जाता हूँ, और सिर्फ एक की सुनता हूँ तो लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, या ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही हैं। क्या करूँ, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं आज कन्फ्यूज़न में पड़ा हुआ हूँ, कन्फ्यूज़न में हूँ, इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद भी। पता नहीं ये सब कुछ कब ख़त्म होगा, कब कुछ ठीक होगा। कुछ चीज़ें मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि मैं अकेला रह गया हूँ। देख रहे हो, यहाँ पे मैं रातों को रोता भी हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं होगा ना मेरी बातों पे। मेरी हालत तो तुम देख ही सकते हो ना। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मैं रहता हूँ। मुझे नींद नहीं आती है रात को ठीक से। मेरा मन कहीं नहीं लगता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। खुद को मैंने अलग कर लिया है, किसी से मुझे बात ही नहीं करनी है। मैंने सबको दूर कर दिया है, खुद से दूर कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद अब किसी के लायक नहीं हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मेरी इस परेशानी को कोई कैसे समझे, क्योंकि मैं तो बताता भी नहीं हूँ ना खुल के। कैसे कोई समझे, कैसे कोई समझे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसे कोई समझे, मेरे थॉट्स में बार बार तुम ही आती हो, मेरे थॉट्स में बार बार तुम्हारा ही ख्याल आता है। तुम्हारा ही ख्याल क्यों आता है, तुम्हारे बारे में ही इतना ज़्यादा डीपली मैं क्यों सोचता हूँ। चाहे शक की निगाह से सोचूँ, चाहे प्यार से सोचूँ, लेकिन सोचता तो तुम्हारे बारे में ही हूँ। तुम्हारे बारे में सोच के काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, तुम्हारे बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और तुम्हारे बारे में सोचना, मुझे लगता है ना कि शायद सोच के मैं कुछ और जान सकता हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे पता है कि तुम बहुत हाइड करने वाली हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, इतनी जल्दी किसी से कहने वाली नहीं हो, अपने मन की बात तुम किसी से कहती नहीं हो। मुझे सारी चीज़ें पता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चलता है। देखो, तुम हर किसी से तो छुपा नहीं सकती, लेकिन मुझसे तो नहीं छुपा सकती ना। तुम्हारा जो मन है ना, वो ऐसा है जो शायद हर कोई ना समझ सके, बट मैं समझने की कोशिश करने लगा हूँ। शायद मैं तुम्हें समझने की कोशिश करने लगा हूँ, तुम्हारे मन की बातों को समझने की कोशिश करने लगा हूँ, तुम्हारे दिल की बातों को समझने की कोशिश करने लगा हूँ। वैसी बातें जो तुम छुपाती हो, और तुम्हें लगता है कि तुम जो है ना, अपने सारे मन की बात अपने मन में रखती हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे मन की बात मेरे मन में है, तुम्हारे मन की बात मैं समझ सकता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हारा और मेरा साथ नहीं है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा कहीं, क्योंकि मैं खुद ही जो है ना, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना है मुझे, मिलके ही बातें करनी है। तुम्हारा और मेरा कनेक्शन सोल कनेक्शन है। पता नहीं क्यों ये मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि आज से हम नहीं हैं, बहुत टाइम से हैं। या तो हम इसी जन्म से मिले हैं, या तो पिछले जन्म का कोई नाता है। कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे तुम्हारे प्रति खींच के लेके आता है। क्या है नहीं पता है, बट मैं तुम्हारे बगैर अकेला बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम नहीं हो इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बगैर मेरा जीना पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है यार, कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं। मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हारे बगैर एक पल भी ना जी पाऊँ, ऐसा मुझे लगने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ सपने देखने स्टार्ट किए थे कि ये सपने, पता नहीं क्यों मैं तुमसे, लगता है ना कि मैं तुमसे जुड़ के रह गया हूँ, तुमसे दूर जा ही नहीं पाऊँगा।
तुमने मुझे कंट्रोल कर लिया है, मुझे लगता है ना कि तुमने कंट्रोल कर लिया है मुझे। तुम्हारी लॉयल्टी ने मुझे अपने तरफ खींच लिया है, तुम्हारी बातों ने मुझे अपने तरफ खींच लिया है। तुम्हारे सामने मैं टिक नहीं सकता, तुम्हारे सामने मैं अपने आप को नहीं दिखा सकता, तुम्हारे सामने मैं झुक जाता हूँ, पता नहीं क्यों। पर तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने देखा है तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो, पावरफुल हो, और तुम्हारे इसी पावर को देख के मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता जब तुम बातें करती हो, तुम्हारा बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। बट लगता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मैं बहुत पावरफुल फील करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे साथ कुछ नहीं होता है। लगता है कि जैसे कि जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, या कुछ पूरा नहीं हो रहा है, अधूरा अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ मैं बंध गया हूँ, मुझे बस यही चाहिए, तुम्हारे साथ मैं बंध गया हूँ और तुम्हारे साथ बंध के ही रहना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो हम जीवन भर साथ ही रहेंगे, अगर तुम कहो तो हम जीवन भर, पूरे जीवन भर साथ रहेंगे। मैं तो रेडी हूँ, तुम क्या रेडी हो? मैं तुम्हारे इनोसेंट वाली एनर्जी पे फिदा हो जाता हूँ। तुम जो चाइल्डिश बिहेवियर करती हो ना, नटखट सी, चंचल सी, तितलियों वाली हरकतें, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारी याद मुझे बहुत आती है। जो देखो, जब भी हम बात नहीं करते ना, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ, कहीं किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। लगता है जैसे कि कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, पीना भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। पर पता नहीं क्यों ये दिल है कि मानता नहीं तुमसे बात किए बगैर। तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है यार, तुम बहुत ही साफ दिल की हो, तुम्हारा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं रहा है जो जेलसी वाला हो या कुछ ऐसा वाला हो। तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, एकदम चाइल्ड वाले एनर्जी है तुम्हारी, एकदम इनोसेंट वाले एनर्जी है। ना किसी के लिए मैल रखना है दिल में, ना किसी के लिए गलत बोलना है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा चंचल सा स्वभाव मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती है। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। मुझे पता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी में लाना पड़ेगा, और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी और मेरी फैमिली साथ आ जाए, हम दोनों की मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, बट मैरिज तो होनी चाहिए ना। फैमिली की मर्ज़ी से मैरिज होनी चाहिए, मुझे चाहिए कि फैमिली की मर्ज़ी से शादी हो, फैमिली की मर्ज़ी हो इसमें, और मर्ज़ी ऐसी हो जो कि हम दोनों कभी दूर ना जा पाए एक दूसरे से। यार कहना है तुमसे बहुत कुछ, सुनना चाहोगे मुझसे? अपने मन की बात तो कहना है मुझे, दिल की बात कहना है मुझे, इसलिए मैं, पता है, तुम्हारे याद में अकेले सॉन्ग सुनता रहता हूँ, और वो भी जो तुम्हें पसंद है वो वाले सॉन्ग सुनता रहता हूँ। जैसे तुम्हें सॉन्ग पसंद है ना, जो तुमने सॉन्ग्स बताए थे ना कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है, वही सॉन्ग को मैं रिपीट करके बार बार सुनता हूँ, क्योंकि मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे मन को सुकून मिलता है कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास यहीं हो, यहीं कहीं हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन कहता है कि तुम मेरे लिए बनी हो। और पता है तुम्हें, तुम्हारे पिक्चर्स को भी मैंने ना बहुत संभाल के रखा है तुम्हारे साथ। सोशल मीडिया पे जो भी तुम्हारी पिक्चर्स है, तुम्हारे वीडियोस है, अक्सर देख के हंसता रहता हूँ, और तुम्हारी तरफ आगे आने की और भी इच्छा मेरी बढ़ जाती है जब तुम्हें उस रूप में देखता हूँ। तुम्हारा जो मन है ना, वो काफ़ी कोमल है, और तुम्हारे इस कोमल से मन में सिर्फ मैं हूँ, मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो, और तुम्हारा यही एहसास तो मुझे एहसास दिलाता है, तुम्हारा एहसास दिलाता है तुम्हारे पास होने का, तुम्हारे साथ होने का, तुम्हारे करीब होने का एहसास जो है ना, वो दुनिया में सबसे अलग एहसास है। तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है ना, वो प्योरिटी वाला रिश्ता है, इसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई मेरा जो है, एक सिर्फ मेरा अपना जो है वो चीज़ नहीं है। हम दोनों का इसमें इमोशंस हैं, हम दोनों की फीलिंग्स हैं, हम दोनों का इसमें बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन, मैं कहूँगा कि है। मैं तो तुमसे दूर नहीं जा सकता, तुम्हें पता है मैं ना बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये करूँगा, वो करूँगा, रोमांटिक सी फीलिंग्स, इल्यूजन्स में दिन भर रहता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कभी ना
ऐसा फील होता है ना कि मुझे ना तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, इतना ज़्यादा जो है ना मैं तुम्हारे लिए फील करने लगता हूँ, इंटीमेसी की बातें आने लगती है मेरे दिल में दिमाग में। तुम्हें भी हंसी आएगी बट मेरे साथ ये होता है तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोच करके। क्या है ना थोड़ा सा रंगीला मिजाज है मेरा, तो वो हो जाता है कभी कभी। रोमांटिक हो ना तुम्हारे लिए इसलिए हो जाता है, बट डर लगता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ कि नहीं। दुनिया से डर लगता है यार, लोगों से डर लगता है, अपनों से डर लगता है कि पता नहीं भाई मैं अगर कहूँ भी तो तुम मानोगी या नहीं मानोगी मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात। बट मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगा, मैं एक्शन लेने वाला हूँ और जल्दी तुमसे मिलने भी वाला हूँ। इंतज़ार करो मेरा, सिर्फ इंतज़ार करो, 3 महीने के अंदर मैं तुम्हें ले जाऊँगा, ठीक है? तुम्हारी तरफ प्यार का ऑफर मैं करूँगा। तुमसे प्यार है मुझे, तुमसे ही प्यार है और किसी और से प्यार नहीं है, तो 3 महीने में मैं तुम्हारी तरफ ज़रूर आऊँगा, तो मेरा इंतज़ार करना मेरी जान। गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिखा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रही हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स रही हैं गाइज। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, और कितना रेजोनेट की है, कितना कुछ आपको दिल को छुआ, क्या क्या दिल को छुआ ज़रूर कमेंट में बॉक्स में मुझे बताइएगा। और रीडिंग को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। सुबह मैं आप लोग के लिए रीडिंग लेके आती हूँ, इस रीडिंग को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चाहते हैं अपने पर्सन के मैसेजेस या फिर अपने पार्टनर से रिलेटेड रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।